गौशाला ओपी क्षेत्र के डीवीसी मोड़ के पास पीडीएस गोदाम के समीप झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर अहले सुबह करीब 3:30 बजे सरिया रड लोड टेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। टकराने के दौरान चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, टेलर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने कहा कि पेड़ से टकराने के बाद चालक टेलर के नीचे दब गया था। गौशाला ओपी प्रभारी विकास महतो के द्वारा लगातार 3 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद चालक को सुरक्षित निकाला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया चोरा पोखर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहां चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। चालक ने बताया कि वो खलासी है, चालक बगल में था जो कूद कर भाग गया। आपको बता दें कि खलासी को गाड़ी चलाने के कारण आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इस पर जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। सड़कों पर बिना वैध लाइसेंस के कमर्शियल वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से किए जाने के कारण हालिया दिनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के संबंधित विभाग भी दोषी हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ रहा है। पहले जा जो आसपास में आज सुबह फोन आया कि एक रड लगा हुआ बड़ा वाला ट्रेलर डीवीसी गोदाम के पास पलटी किया है। उस संबंध में हम लोग पूरी कार्रवाई करते हुए सब मशीन बुला के और काट के ड्राइवर को निकाला गया। ड्राइवर सुरक्षित है, किसी प्रकार का चोट नहीं है, आज एक कार्रवाई किया है। आपका सर किसी की खलासी था, ड्राइवर खराब नहीं? नहीं, मालिक से बात हुआ है, सिर्फ ड्राइवर था खलासी। किसी की हताहत की सूचना सर? नहीं, ऐसा कोई अभी तक सूचना नहीं मिला। लगभग कितने देर को बाद में घंटा हम लोग को लगा रेस्क्यू करने में, क्योंकि काफ़ी रॉड बहुत ज़्यादा था, 50 टन के आसपास में रॉड को खड़ी किया गया। उसके बाद ड्राइवर को सुरक्षा में लगा।